So good morning class 11 students, let's do some question of chapter number 2. First, this is exercise 2.3, question number 2. This is first, this is the graph, fx is equal to minus mod x. We have to find the domain and range. So what is the domain? All the values of real numbers are allowed or not. I'll tell you the graph of mod x. Mod x ka graph kaise hota hai? ठीक है, इसके आगे माइनस साइन लग गया मतलब द ग्राफ विल बी इनवर्टेड नाउ. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस मॉड एक्स. द डोमेन इज आर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर बिकॉज नो रियल नंबर इज एक्सक्लूडेड. ऑल दिस इज डोमेन. डोमेन इज वॉट एवर इज अलाउड ऑन एक्स एक्सिस एंड रेंज इज वॉट एवर इज अलाउड ऑन वाई एक्सिस. सो इन दिस केस मॉड एक्स, this graph, the range is all positive number, that is r positive and including 0. So we can write from 0 to infinity in case of mod x. But in case of minus mod x, the range is minus infinity to 0, and minus infinity and plus infinity are always not included. So this is the graph of minus mod x. Okay, so the range is, domain is real number and range is minus infinity to 0. The next function is root of 9 minus x square. Okay, so when you are talking about root of 9 minus x square, look at this function. Now here whatever is inside the root side cannot be negative. Root sign ke andar negative number nahi ho sakta. तो मतलब ये कहां से कहां तक बनेगा? ये जीरो से, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए. दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो. इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस कैन बी फैक्टराइज एट 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. ओके, सो वेन एवर वी गेट समथिंग लाइक दिस, और वी कैन राइट दिस एज, इफ आई चेंज द साइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 इज लेस देन जीरो. इसमें आपको एक नंबर लाइन पर नंबर्स को लिखना पड़ेगा, माइनस 3 और 3. तो आप देखोगे ओनली व्हेन एक्स लाइन बिटवीन माइनस 3 टू 3 दिस इज वैलिड. इफ इट इज बियॉन्ड माइनस 3 ये लेस देन 0 नहीं रहेगा. अगर आगे प्लस 3 से आगे जाएगा लेस देन 0 नहीं रहेगा. टेस्ट करके देख लेते हैं. लेट्स टेक 4. 4 माइनस 3 1 होता है और 4 प्लस 3 7. मल्टीप्लाई किया तो प्लस 7 आया. तो यहाँ पे अलाउड नहीं है. माइनस फोर लेते हैं. माइनस फोर पे ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन, और माइनस फोर पे ये हो जाएगा माइनस वन. फिर से अलाउड नहीं है, इधर प्लस सेवन आ रहा है. नाउ टेक एनी नंबर इन बिटवीन, जैसे जीरो लिया, जीरो पे ये आया माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन, यानी नेगेटिव, मतलब ये लेस देन जीरो हो गया. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू थ्री, दैट इज द डोमेन. एक्स बिलोंग टू माइनस थ्री टू थ्री. और जो रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज होता है आपके वॉट एवर इज अलाउड आफ्टर यू पुट थ्री और माइनस थ्री. तो अज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर सर्टेन वैल्यूज, लाइक एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा इसका आंसर? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसका आंसर आएगा थ्री, मैक्सिमम आंसर थ्री. एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पर देख लो एक बार, माइनस थ्री पर इसका आएगा नाइन माइनस नाइन जीरो. और इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री पर भी आंसर आएगा जीरो. तो द आंसर वो द रेंज. तो रेंज आ रहा है हमारा जीरो से थ्री के बीच में. नेगेटिव आंसर कभी ये देगा ही नहीं क्योंकि रूट के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है. सो व्हाट एवर वैल्यू, आपको डोमेन का मतलब होता है व्हाट आर द वैल्यूज अलाउड. तो वैल्यूज अलाउड आर माइनस थ्री टू थ्री. रेंज का मतलब होता है व्हाट इज द आउटपुट. डोमेन का मतलब होता है इनपुट. रेंज का मतलब होता है आउटपुट. सो द आउटपुट इज जीरो टू थ्री. सो द रेंज हियर इज 0 to 3, both are included and domain is minus 3 to 3, right? Later on जब आप इसको इसके graphs पढ़ेंगे तो ये एक semi circle का graph है. root 9 minus x square जो आएगा वो एक इस तरह से semi circle का graph आएगा जिसका कि radius 3 units है. और positive side लेंगे क्योंकि ये root 9 minus x square है positive side. अगर ये minus root 9 minus x square होता तो आपको ये वाला पार्ट बनाना होता है नेगेटिव वाला पार्ट. जैसे कभी माइनस मॉड एक्स बनाया था तो इस
इसका इमेज दिया था नीचे, ठीक है, एक्स एक्सिस में इमेज। तो प्लस साइड में ऊपर वाला सेमी सर्कल और माइनस साइड में नीचे वाला सेमी सर्कल बनता है, ठीक है। इसका सेंटर होता है 0 0 और रेडियस होता है 3। दिस इज द ग्राफ ऑफ √9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ सिमिलरली वी कैन डू सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो दिस वे यू विल कंप्लीट योर 2.3 एंड ट्राई टू रीड ऑल द ग्राफ रेंज एंड डोमेन। इन द बिगिनिंग आपको ये पता करना है कि डोमेन निकालने के लिए रूट साइन में नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। सेकंड, डिनोमिनेटर में 0 नॉट अलाउड, ठीक है। ये दो चीजों का ध्यान रखो बेसिकली। देयर आर मेनी मोर रूल्स व्हिच विल स्टडी लेटर ऑन। नाउ विल स्टार्टिंग विद मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ रही है, देयर अ फंक्शन कॉल्ड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है 3x और इनकी रेंजेस लिखी हुई है। ये होता है जब इट्स लाइंग बिटवीन 0 to 3, ठीक है, एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 3 और ये होता है 3 to 10। आपको प्रूव करना है फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पर दोनों में आप देखोगे इंक्लूडेड है 3, इधर भी। तो एक बार एफ 3 निकालते हैं यहाँ से, एफ 3 आ रहा है अपने पास 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, और यहाँ से निकालते हैं तो एफ 3 आ रहा है 3 into 3 जो कि 9 हो रहा है, मतलब 3 के साथ इमेज आ रही है 9। दैट इज वाई दिस फर्स्ट वन इज द फंक्शन। अब जो सेकेंड वाला पार्ट आ रहा है उसमें जी एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और 3x, फिर से वही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है वो है एक्स लाइन बिटवीन 0 to 2 और ये है 2 to 10। तो 2 एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, 2 पे एक इमेज देख लेते, जी 2 यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और जी 2 नीचे यहाँ पर आएगा इस वाले में 3 into 2 यानी कि 6। ना इमेजेज ऐसे बन रही है 2, 4 और 2, 6, 2 की दो इमेजेज आ गई, हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन वेर एज दिस इज अ फंक्शन। तो आई एम श्योर दिस वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एंड ऑफ कोर्स 2.3, राइट। तो ट्राई टू कंप्लीट दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।